और ये हमारी रिस्पेक्टेड मैनेजर मैम हम सबको एक मोटिवेटेड स्पीच दे रही हैं, हमें मोटिवेट कर रही हैं कैसे हमें अपना काम करना चाहिए, किस तरह अपने काम को लगातार आगे बढ़ाना है। और वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, वो नारे लगा रहे हैं कि हम सब का एक ही नारा है अपना काम बढ़ाना है, हम सब का एक ही नारा है अपना काम बढ़ाना है, ये नारा लगवा रहे हैं वो बार बार, हम सब नारे लगा रहे हैं। माहौल बहुत ही अच्छा है, मैम सबको बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करती हैं। बहुत टाइम हो गया मैम के साथ रहते हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम से। तो साथियों, अभी ये हमारे मित्र एजेंट हैं जो आप देख रहे हो, सारे के सारे एजेंट और CLIA हैं LIC के, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जैसा कि आपको ज्ञात है, ये होटल है D2M, यहाँ पे वही बस स्टैंड के पास, तो बहुत ही अच्छा होटल है। तो अभी हमारी मीटिंग चल रही है और भाई ऐसी स्पीच जो हमारे मेंटर आए हैं और भाई जो LIC के सीनियर अधिकारी हैं, और अभी मनीषा जी भी ताली बजा रही हैं, तो बहुत अच्छी स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा। जो कि भाई LIC दिन दुगनी और रात चौगनी कर रही है। LIC के सभी कस्टमर जो भी LIC की पॉलिसी लेता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि LIC का एक किनारा है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। और ये हमारे भरत भूषण सर है, बहुत ही अच्छे सर है। पता नहीं मैडम ने सूचित किया होगा, आपके लीडर ने सूचित किया होगा, उसमें भी डला होगा कि आपका डिवीज़न ऑल इंडिया में नंबर वन डिवीज़न, इकलौता डिवीज़न जो कि अपना प्रीमियम का जो क्यू टर्म बजट है, क्या है ना कि हम लोगों को बेंचमार्क है, आप लोग भी अपने जैसे डिवीज़न और जोन और ऑल इंडिया रखता है, अपने बेंचमार्क अपने टारगेट्स रखता है सब जगह। इनके प्रधान जी के भी कमरे में देखा होगा, जाते होंगे तो टारगेट्स लिखे हुए सारे, इस साल पॉलिसी इतनी करेंगे, सिंगल प्रीमियम नॉन सिंगल इतना, कंपाइज भी इतना, सारे टारगेट्स हैं ना। जब हर किसी के टारगेट हैं तो हमारे क्यों जो टारगेट है उस टारगेट को 30 जून तक लोगों को 18% तक पहुँचना था। तो गाइज, हमारी कंचन मैम ने हम सबको खड़ा होने के लिए बोला है, क्योंकि LIC का एक मोटिवेशनल सॉन्ग है जिसको हम सभी साथ में गाएंगे। आरंभ है प्रचंड, तो अब हम सब मिलके इस सॉन्ग को गा रहे, आरंभ है प्रचंड, क्योंकि मैम का मानना है कि इस सॉन्ग से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और हम सब अपने काम को लेके और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। आरंभ है प्रचंड है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी कविता है, जो भी इसे सुनता है उसके अंदर जोश और जुनून जाग जाता है, क्योंकि कोई भी काम करना होता है उसके लिए जोश और जुनून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कविता भी है और ये गाना भी है, आरंभ है प्रचंड। तो फिलहाल तो अभी हम कविता नहीं, गाना सुन रहे हैं सभी, और सभी बिल्कुल जोश से भरे हुए हैं, सभी एक साथ गाना गा रहे हैं आरंभ है प्रचंड। मैं भी गा रही हूँ, अंदर ही अंदर गुनगुना रही हूँ। ठीक है जी, देखो सब बिल्कुल जोश से भरपूर हैं, सभी लगातार जो है इस गाने को गा रहे हैं। और जो है सर्वेश जी भी मुझे बार बार बोल रहे हैं गाले गाना गाना गाले, मैं कह रही हूँ क्यों, तो ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा गाना है गाले, तू भी देख सब गा रहे हैं। तो मैं चुपचाप सुन रही हूँ इनकी बात को, मैं ये सोच रही हूँ कि ये कैसे चुप करूँ इनको, मैं गंजे टकलू को देखो कैसे अपना फेस दिखा रहे हैं बार बार, मेरा भी दिखा रहे हैं, मैं कह रही हूँ रुक जाओ बस अब बहुत हो गया। और अब सॉन्ग ख़त्म हो गया है, सभी अपनी जगह पर बैठने स्टार्ट हो गए हैं, हम भी बैठ गए हैं अपनी जगह पर। अब दोबारा से जो एक और सर आए हुए हैं, ADO सर हैं, वो अपनी स्पीच देंगे। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।